मैं विनी घरामी हाजिर हूँ जिंदगी के एक नए किस्से के साथ। आज की कविता का शीर्षक है फोन हिस्ट्री। तो कैसे हो नई पीढ़ी के मोहब्बत के परवानो, इश्क में मार खाए दीवानो। तुम्हारा हाल इसीलिए पूछा है क्योंकि आज फिर बातों ही बातों में तुम्हारा दर्द कुरेदना है, तुम्हें फिर जख्म मोहब्बत देना है। आज की रचना को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कविता, कहानी या किस्सा समझ लो, तुम जो भी समझो बस इतना समझ लो, मेरे शब्दों में मोहब्बत वालों का दर्द समझ लो। तो नए जमाने के आशिकों वो दौर कुछ और था जब लड़की पोस्टमैन से भी पढ़ जाया करती थी, लेकिन इस दौर की बात कुछ और है। यहाँ हर चीज देखा जाता है, मोहब्बत को भी स्टेटस की तराजू में आका जाता है। और ये वो दौर है जहाँ चिट्ठी नहीं सेलफोन में इश्क होता है, टिंडर पर राइट लेफ्ट स्वाइप करके पार्टनर का सिलेक्शन होता है। लेकिन नहीं सारी दुनिया दिखावटी नहीं होती। कुछ सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा है, और जिंदा मोहब्बत का सबूत ये है कि वो कभी पूरी नहीं होती। एक ऐसी ही मोहब्बत मेरी भी छूट गई, वो शरीर तो अपना ले गया, उसकी आत्मा मेरी फोन हिस्ट्री में छूट गई। हाँ उसकी आत्मा यूं ही मेरे बंद सेलफोन में भटकती रहती है। रात को जब किसी दोस्त को गुड नाइट टेक्स्ट करूँ तो उस टेक्स्ट का मुझे अफसोस होता है, क्योंकि उसकी आत्मा कीवर्ड के ठीक ऊपर गुड नाइट के बाद प्लस में बेबी लिखकर मजे लेती है। और जब वैलेंटाइन वीक आता है कैडबरी वाला भी मेरी पिछली शॉपिंग हिस्ट्री देखकर अपने समवन स्पेशल का मुंह मीठा कीजिए वाला मेल देता है। कम वक्त ये कंपनी वाले भी बड़े चालू है, मेल के नीचे रिप्लाई का ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि शायद उन्हें भी मालूम है इश्क वाले कितने दिल जले हैं, रिप्लाई से ही उनकी जान ले लेते। बड़ी लंबी है हिस्ट्री मेरे फोन में उस प्रेत के कर्म कांडों की, उसके लव इमोजी से मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा है, और कॉल हिस्ट्री में भी बस उसी का नाम है। जब तक वो था मुझे बात करने को कोई और दिखा ही नहीं, शायद तभी कहते हैं कि प्यार अंधा है। उसकी फोटोज मेरे फोन में इतनी जगह सेव है, डिलीट करते वक्त मेरा मन भी भर आया है।